जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में जानने वाले हैं। गंगा नदी के कुछ सहायक नदियों के बारे में जानेंगे हम लोग कि कौन कौन नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदी है, कौन कौन नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदी है। तो सहायक नदी का मतलब यह है कि गंगा नदी में हुआ कर मिलती है, तो फिर जाके गंगा नदी का निर्माण होता है एक बड़ा नदी के नाम। तो गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ये गंगा नदी, जैसे आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे हमारी, कि ये नदी एक बनाया हुआ है, ये इस तरह से दर्शाया गया है। ये गंगा नदी है और इस गंगा नदी में ये सब नदियां कुछ आके मिल रहे हैं, ये सब नदियां आके मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी में मिल रहे हैं और गंगा नदी के सहायता कर रहे हैं, सहायक नदियां बन जा रही हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि राम गंगा है, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये राम गंगा है और ये गंगा नदी में आके मिल रही है। तो राम गंगा गंगा नदी की सहायक नदी हो गई, और गोमती गोमती भी गंगा नदी में मिल रही है, तो गोमती नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी हो गई। ये घाघरा नदी है, घाघरा नदी भी मिल रही है, तो घाघरा नदी भी सहायक नदी हो गया। ये गंडक है, यह भी मिल रहा है, ये भी गंडक नदी भी गंगा नदी का सहायक नदी बन गया। और ये कोसी नदी है, कोसी नदी भी मिल रहा है, और ये महानंदा भी मिल रही है, और ये जमुना भी मिल रहे हैं इस गंगा नदी में। तो ये सब जो नदियां हैं गंगा नदी की सहायक नदियां है, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और जमुना, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और इधर से देखें दोस्तों तो यमुना, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा दोस्तों, यहाँ पे जमुना है और यहाँ पे यमुना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जमुना है और यहाँ पे यमुना है। तो जमुना और यमुना दोनों ही नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां है। गंगा नदी के जमुना यमुना दोनों सहायक नदी है। और इधर से देखा था टोंस नदी, टोंस नदी के नाम आप लोग सुने होंगे दोस्तों, टोंस नदी भी गंगा नदी का सहायक नदी है। और ये सोन नदी भी गंगा नदी के सहायक नदी है। ये दामोदर नदी है, दामोदर नदी भी गंगा नदी का सहायक नदी है। और ये हुगली नदी है, हुगली नदी भी गंगा नदी का सहायक नदी है। ये यमुना नदी है दोस्तों, यमुना नदी की सहायक नदी देखे हम लोग, तो ये चंबल नदी है, ये बेतवा नदी है, या सिंध है, या केन है। तो ये चंबल बेतवा सिंध केन, ये चंबल बेतवा सिंध केन, यह यमुना नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको गंगा नदी के मत डालिएगा, ये गंगा नदी की सहायक नदियां नहीं है, बल्कि यह यमुना नदी की सहायक नदी है, और यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदियां है। तो आप लोग जान सकते हैं, यदि सोन के बारे में देखें, सोन के भी कुछ सहायक नदियां हैं। तो सोन के बारे में देखें तो ये सहायक नदियां बना देते हैं। तो ये कोयल नदी है, कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। और देखें सोन नदी के सहायक नदी के बारे में, तो ये रिहंद नाम लिख देते हैं इसको मिलकर के, यहाँ पे इतना तक रिहंद है, रिहंद नदी है। ये सोन नदी की सहायक नदी है, रिहंद, कोयल, ये सब सोन नदी की सहायक नदी है। और चंबल, बेतवा, सिंध के या यमुना नदी की सहायक नदी है दोस्तों। तब जाकर एक गंगा नदी का निर्माण होता है। और यहाँ आगे चल के यह गंगा नदी बेतवा नदी के नाम से जाना जाता है। बेतवा नहीं सॉरी दोस्तों, पद्मा के नाम से आगे चल के नदी पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये आगे आती है यहाँ पर दोस्तों नदी, ये पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी के बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है दोस्तों, 2525 किलोमीटर। और केवल कुल लंबाई है, टोटल कुल लंबाई है, यह कुल लंबाई है दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और भारत में देखें हम लोग तो भारत में 2510 किलोमीटर है दोस्तों, भारत में 2510 किलोमीटर गंगा नदी प्रवाहित होती है। और बिहार में स्पेशल देखें,
बिहार में, तो बिहार में 445 किलोमीटर क्षेत्र तक प्रवाहित होती है हमारी ये गंगा नदी। तो ये गंगा नदी के पूरी सहायक नदियां हमारी दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये गंगा नदी के सहायक नदियां हो गए। मिलते हैं अगले वीडियो में।